Now, that day also in the first class, I had told you how much should be the percentage of carbohydrate in the total calorie of any person. It is again, I'm telling you, 60 to 70% of your calorie should be from carbohydrate. If you are a diabetic, it can go slightly lesser, 50 to 70% isme range karta hai carbohydrate requirement. Okay. And from nutritional point of view, it is under two categories. It is, group. So one is, carbohydrates that are utilized by the body. Jaise hum chawal lete hain, usme kya hota hai? Usme glucose nahi hota hai, but usme starch hota hai. Then glycogen hai, sucrose hai. Glycogen jo hum muscle protein, animal protein se milta hai, animal se milta humko. Sucrose hai jo chini se milta hai, lactose jo doodh se milta hai. ग्लूकोज जो आपको अगेन चीनी से या फ्रूट जूस से भी फ्रक्टोज मिलता है सो दीज आर समथिंग विच आर यू नो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर यूटिलाइज बाय द बॉडी फॉर एनर्जी नाउ देर आर ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट डाइजेस्टेड एंड इनका आजकल बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ गया है दोज आर ऑल्सो अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दीज आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द बॉडी दीज आर बेसिकली सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज गम्स एक्सेट्रा ठीक है तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं एक जो बॉडी यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए और एक जो खाने में होता है पर वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है एंड दैट इज आल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट नाउ आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ से एनी लाइक पोमग्रेनेट अनार ओके सो इट हैज गॉट यूटिलाइजेबल कार्बोहाइड्रेट एंड समथिंग विच इज नॉट यूटिलाइज तो जब हम जूस बनाते हैं अनार का हम छान के उसको फेंक देते हैं फाइबर को That is something क्यों फेंक देते हैं because that is not digested by the body. और हम juice को ले लेते हैं because from juice we will get fructose and glucose जो हमें energy देगा. But something which is not utilized also very very important because naturally fruit में fiber इसीलिए है कि थोड़ा fiber होगा तो जो digestion है वो slow होगा. और क्योंकि slow digestion होगा तो blood sugar धीरे धीरे बढ़ेगा एक साथ नहीं बढ़ेगा So that's why naturally in all vegetables, fruits, you will get carbohydrate which is utilized and carbohydrate which is not utilized. I hope all of you get this. This is very, very important part. Now coming to the functions, itna jaan lijiye ki our brain cannot function without glucose. So carbohydrate are very important for brain function. Okay, it is again. It is very important for fatty acid oxidation. आपका fat utilize नहीं होगा अगर आप carbohydrate अच्छे से नहीं लेते हैं क्योंकि energy तो वहीं से मिलेगी उसको use करने के लिए. So that's why it is important for utilization of fat. फिर हमारा जो DNA है, RNA है, उसका जो component है, उसका जो basic backbone है, that is also made up of carbohydrates. ओके सो पेंटोज जो भी ये डीएनए आरएनए इसके लिए भी हमें कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है नाउ व्हाई आर कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट अनदर थिंग अगर हम बहुत दिन के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट देना बंद कर दें तो क्या होगा आपकी बॉडी का जो मसल है उसको बॉडी प्रोटीन को यूज करना स्टार्ट कर देगी टू गेन एनर्जी फॉर सर्वाइवल ठीक है तो दैट्स व्हाई अगर हम अच्छे से कार्बोहाइड्रेट लें तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में यूज होता है और अगर हम अच्छे से कार्बोहाइड्रेट डाइट में ना लें देन द प्रोटीन इज ब्रोकन डाउन फॉर एनर्जी पर्पस दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट देन देयर आर ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड लाइपोप्रोटीन्स आल्सो इट मींस ग्लाइको मींस जब कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोटीन ज्वाइन कर जाता है इट बिकम्स ग्लाइकोप्रोटीन एंड लाइपोप्रोटीन मींस जब लिपिड फैट के साथ प्रोटीन्स यूज हो जाते हैं ये सब इस कंपोनेंट में भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है So carbohydrate is again very important for proper structure and shape of the body also. All right. So most important primary function of carbohydrate is providing energy. Okay. So last में जब carbohydrate पूरा utilize हो जाता है तो body में क्या बनता है carbon dioxide and water. That's the last thing जो carbohydrate हम सोचिए चावल खाते हैं. उससे हमें ग्लूकोज मिल जाएगा और लास्ट में एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा ग्लूकोज इज द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट इन द बॉडी जो कि एनर्जी के फॉर्म में बॉडी यूज करती है इट मींस आप रोटी लें चाहे आप जूस चपाती लें यू
finally the body will be using it as glucose. Now basically, as I told you, the most important function is energy. Agar body ko energy ki zarurat hai for you know, activity, for organ function, for life, it needs carbohydrate. Now classification. I hope all are able to you know, hear my voice. Yes, ma'am. So क्लासिफिकेशन वाई आई एम टेलिंग यू बिकॉज ये आपको आगे कभी डाइट प्लान करेंगे या कोई आपसे पूछा तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आप टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट को जाने. सो बेसिकली दीज आर मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, देर आर टेट्रासेक्राइड्स ऑल्सो. सो बेसिकली दीज आर कैटेगराइज इन टू मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड. मोनोसेक्राइड मीन सिंगल यूनिट, ऑलिगो में डाई, ट्राई और टेट्रा होते हैं, माने दो, तीन और चार यूनिट वाले, और पॉली उससे ज्यादा वाले. सो यू कैन सी मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पोर्शन. ये सबसे छोटा पोर्शन है मोनोसेक्राइड, जिससे छोटा और नहीं हो सकता है. डाइसेक्राइड कंसिस्ट ऑफ टू मोनोसेक्राइड, ओके, लाइक सुक्रोज, टेबल शुगर, जो हम लोग चीनी खाते हैं, दैट इज अ डाइसेक्राइड. ये अगर इसको हम ब्रेक करें, हाइड्रोलिसिस करें, तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है. सो इट इज डाइसेक्राइड. ऑलिगोसेक्राइड जहां 3 से 9 यूनिट होते हैं. ओके, सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि आगे आप जाके पढ़ेंगे कि डायबिटीज में लोगों को मोनोसेक्राइड अवॉइड करने को और डाइसेक्राइड अवॉइड करने को कहा जाता है. वाई इज इट सो? बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड मोनोसेक्राइड इज द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म फॉलोड बाई डाइसेक्राइड. So these are very easily absorbable by the body. That's why we avoid these things in diabetes or even in heart diseases, because even in obesity, because ye aap lenge aur aapki body mein absorb ho jayega. Whereas oligosaccharides and polysaccharides need some time for absorption. These are polysaccharides. So you can see that monosaccharide is a single unit, but you can just a second, I'll use a marker to show you. So you can see with a pen marker that monosaccharide is a single unit. Isse chota carbohydrate, isse chota unit nahi ban sakta. Then there is disaccharide, means 2. Oligo means 3. Okay, and polysaccharide, you are seeing so many units. So जब हमें डायबिटीज से बचना हो तो हमको मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को अवॉइड करना होगा. Why? Because this is the smallest unit, so very easy to absorb. Body को digest ही नहीं करना पड़ेगा, it will be very easily absorbed. Whereas polysaccharide को absorb करने में इसको break करना होगा, time लगेगा, and that can still be given to people like who are obese and diabetics. So this is all about polysaccharides. Now, just wanted you to know that what is actually maltose. Maltose, आप दो यूनिट ग्लूकोज के बने होते हैं, which is again like a disaccharide. अगर आपने देखा हो कि Horlicks, Bonvita, ये क्या होते हैं? These are basically malt sugar. So these are maltose. Okay, ये भी बने होते हैं 2 glucose यूनिट के. Sucrose, which is known as a table sugar, that is made up of fructose and glucose. And lactose, which is the milk sugar. You must know all these things, that is made up of glucose and galactose. So I was telling you about simple carbohydrate, which should be avoided for those who are overweight, those who have diabetes, those who have obesity. So simple carbohydrates kaun se hain? Aapka refined sugar, jo safed chini hum log kha rahe hain. That's why people have nowadays started taking brown sugar, because that's not that much refined. Fruit and milk, these are all sources of सिंपल कार्बोहाइड्रेट इन द सेंस, इसमें से जो कार्ब्स हैं
वो हमें बहुत इजीली मिल जाते हैं. कॉम्प्लेक्स आर फ्रॉम ग्रेन्स. अगर हम ब्राउन राइस खाते हैं लाइक दैट डे आई टोल्ड यू, या हम वीट लेते हैं, रोटी लेते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट उतना आसानी से नहीं मिलता है. इट टेक्स टाइम एंड दीज आर नोन एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. सो इम्पॉर्टेंट मोनोसैकेराइड, जस्ट फॉर योर यू नो नॉलेज, सिंस इट्स नॉट अ बायोकेमिस्ट्री क्लास, बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, अगर आपसे कोई पूछे कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, सबसे सिंपल, यू मस्ट नो इट इज ग्लूकोज, एंड ग्लूकोज इज मेड अप ऑफ व्हाट? ओके, सो ग्लूकोज है विच इज द मोस्ट एबंडेंट मोनोसैकेराइड. ओके, एंड it is basically, you know, this is something which is present in blood in the form of sugar. Tabhi hum glucose ka test karte hain jab hum blood sugar test karte hain, and that's the simplest unit jo cells use karti hain for energy purpose. Okay, so glucose is broken down in the cells to produce energy. That's why you must know that glucose is a monosaccharide. Isse chota unit nahi hota hai. So now coming to diabetics, I told you that diabetics, basically what happens, glucose is not does not enter the cell in absence of insulin. That is why monosaccharides have to be reduced in the diabetic diet, whereas polysaccharides can be given. Iska matlab hum ek diabetic ko chai mein chini lene ko mana karenge, par hum usko roti khane ko nahi mana kar sakte. Why? Because roti mein usko polysaccharide mil raha hai, uska digestion slow hoga to blood mein sugar bhi dheere badhega. Lekin agar hum chai 2 चम्मच चीनी के साथ दे दे तो वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाएगा, एंड दैट विल रेज द ब्लड शुगर लेवल्स, एंड दैट इज व्हाई आई वाज टीचिंग यू मोनोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. फ्रक्टोज, आई टोल्ड यू फ्रक्टोज यू मस्ट नो इट इज आल्सो मोनोसैकेराइड, एंड बेसिकली इट इज नोन एज फ्रूट शुगर. आपको फ्रूट से और थोड़े बहुत वेजिटेबल से, हनी से, यू विल गेट फ्रक्टोज. ओके, सो दिस इज नोन एज फ्रूट शुगर. और why I want to tell you, because आज कल काफी लोग, आपने शुगर फ्री देखा होगा, तो पीपल आर यूजिंग फ्रक्टोज ऑल्सो फॉर इंस्टेड ऑफ टेबल शुगर. ओके, सो पीपल आर ऑल्सो यूजिंग फ्रक्टोज इंस्टेड ऑफ टेबल शुगर फॉर मेकिंग यू नो देयर टी स्वीट. एंड देन लास्ट इज द पॉलीसेक्राइड. पॉलीसेक्राइड में क्या आता है, स्टार्च आता है विच यू कैन डाइजेस्ट, ग्लाइकोजन विच यू कैन अगेन डाइजेस्ट. ग्लाइकोजन मेनली यू विल गेट फ्रॉम एनिमल सोर्स, स्टार्च यू विल गेट फ्रॉम यू नो रोटी, चपाती, राइस, मिलेट्स, यू विल गेट स्टार्च. एंड फाइबर इज, आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, फाइबर इज इनडाइजेस्टिबल. फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, और फिर भी इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि हमेशा कार्बोहाइड्रेट फूड में होता है, और मे बी यू नो भगवान ने ही इसको ऐसे दिया है बाय ग्रेस ऑफ गॉड कि ग्लूकोज हमारी बॉडी में धीरे धीरे जाए. तो फाइबर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि फिर कार्बोहाइड्रेट में थोड़ा डाइजेस्टिबल और थोड़ा इनडाइजेस्टिबल पोर्शन होता है, तो डाइजेशन स्लो हो जाता है, एंड दैट्स वाई ग्लूकोज ज्यादा नहीं बढ़ता है बॉडी में. सो दिस इज ऑल अबाउट यू नो जस्ट आई एम टेकिंग अ जिस्ट, बिकॉज एज आई टोल्ड यू इट्स अ न्यूट्रिशन क्लास. So I'm not taking much, detail about carbohydrates. You all know, this is the source. You must know. जब आप diet plan करेंगे, कोई बोलेगा मुझे lactose intolerance है. I told you that day also. So you must know कि आपको diet में क्या बंद करना है. So you can see milk, yogurt, ice cream, ये सब आप उनको नहीं देंगे, because उनको lactose intolerance है. एक diabetic को आप क्या नहीं देंगे? Sugar cane, sucrose नहीं देंगे. Okay. फ्रूट देंगे, पर फ्रूट जूस नहीं देंगे, क्योंकि उसमें बहुत इजीली आपको फ्रक्टोज मिल रहा है. हनी नहीं देंगे. ओके, सो दीज आर द सोर्सेस यू मस्ट नो. अगर मैं आपसे पूछूं कि एनिमल सोर्स में कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलेगा, आप ग्लूकोजन से मिलेगा, वो कहाँ है? एनिमल के लिवर में और मस्ट. ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं कि अच्छा मुझे राइस से क्या मिलेगा, सो यू मस्ट नो कि राइस पॉलीसेक्राइड है, सो वो आपको एमाइलोज. So this is about in a gist about carbohydrate. I hope the who were left they have joined the class. Because now this is very very important topic which I am taking.
So now coming to dietary fiber, very very important topic. Okay, आजकल आपने बहुत सुना होगा fiber is something which has a role in almost all diseases, lifestyle diseases, right from obesity to heart disease to diabetes. बहुत important है fiber. And as I told you, it's a form of you know polysaccharide only, which is not digested. So where is it present? Fiber is a fibrous material present in plants, okay, and fruits and vegetables. It is resistant to hydrolysis. इसका मतलब इसका digestion हमारे intestine में alimentary tract में नहीं होता है. Okay, so classification is soluble and insoluble. दो तरह के fiber होते हैं. One is soluble, one is insoluble. Soluble वो होता है जिसको आप थोड़ा सा पानी में डालेंगे तो you know थोड़ा बहुत वो पानी में घुल जाएगा. It will be solubilized in the water. And generally you get it from fruits. Fruits का जो fiber होता है, जैसे आप orange juice में पानी डालें, orange के pulp में वो घुल जाएगा. So that is a soluble fiber. It is very very good for everything, heart disease and you know cardiovascular disease, obesity. So it is you can see that soluble fiber is found in seeds, nuts, oats, lentils. Lentils मतलब हम जो you know दाल के अंकुरित खाते हैं उसमें मिलता है, strawberries में मिलता है, apple में मिलता है, और ये pectin से ही jam बनता है. For your information, आप जो jam खाते हैं वो हम pectin जो कि fruit का fiber से ही उसमें चीनी मिला के we make it as a, like a jam. So these are known as soluble fiber. Then there is insoluble fiber, like आटे का चोकर हम छानते हैं ना, so आटा रोटी बनाते वक्त we just sieve it. तो जो नीचे गिरता है उसको हम insoluble fiber बोलते हैं. And दोनों का अपनी जगह importance है. Soluble fiber heart की problem, diabetes की problem, blood sugar को ज्यादा बढ़ने नहीं देता है. Whereas insoluble fiber constipation में बहुत help करता है, obesity में बहुत help करता है. इनसोल्युबल फाइबर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आप ब्रांड वाली रोटी खाते हैं, लोग काफी लोग खाते हैं, या वेट लॉस के लिए सिर्फ चोकर की रोटी खाते हैं, सो दैट हेल्प्स इन कॉन्स्टिपेशन बिकॉज इट बाइंड्स लॉट ऑफ वाटर. इसमें बहुत पानी ये खुद के साथ बाइंड कर लेता है, स्टूल्स इजिली पास होने में हेल्प होते हैं. इसीलिए आप लोग यू नो सोल्युबल एंड इनसोल्युबल फाइबर का मिक्सचर जो इस बोले वो कभी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो तो आप लेते हैं, वो भी एक प्लांट फाइबर है. दैट इज ऑल्सो plant fiber. Now coming to the parts of why do we actually take soluble fiber? Basically soluble fiber attracts water and makes a gel. जब ये gel बन जाता है digestion में तो this slows the digestion. So this slows the digestion process, okay? And you know डाइजेशन जल्दी होने की जगह थोड़ा स्लो हो जाता है. ओके, दीज ऑल्सो डिक्रीज द रेट ऑफ यू नो हार्ट डिजीज के रिस्क को कम कर सकता है. ओके, एंड दिस इज बेसिकली आपको कहाँ मिलेंगे, ओट्स में लाइक आई टोल्ड यू, नट्स में, सीड्स में, वेजिटेबल्स में, एंड आई टोल्ड यू साइलम हस्क जो कि इसबगोल है, विच यू टेक फॉर कॉन्स्टिपेशन इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोल्युबल फाइबर. Anybody is asking anything? Any question? Ma'am, undigested का meaning क्या हुआ, मेरे को समझा नहीं. किसका? Undigested material मतलब actually क्या? Indigested material मतलब ये plant का cell wall है, मतलब you know थोड़ा harsh material है, ये बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होगा. इट विल नॉट बी डाइजेस्टेड, इट विल बी जस्ट यू नो इट विल पास एंड गो थ्रू द स्टूल्स. ओके, दैट इज कॉल्ड फाइबर. इनडाइजेस्टेड मींस ये डाइजेशन नहीं हो सकता इसका. ओके, मतलब इससे कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता इन शॉर्ट ना. नहीं, बट इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. इसमें कोई आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, फिर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि एक तो ये आपको वेरियस डिजीजेस से बचा रहा है, बिकॉज यू नो ये अनडाइजेस्टेड है, पर ये खाने में प्रेजेंट है नेचुरल फॉर्म में, तो क्या कर रहा है, डाइजेशन को, लाइक आई हैव रिटन, डाइजेशन को स्लो कर रहा है. एंड स्लो डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डायबिटीज एंड ओबेसिटी. आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग. आप एक ग्लास जूस देती हूँ मैं, आपका वेट ज्यादा है, ठीक है,
एक ग्लास जूस दूंगी और बोलूंगी कि आप ओबीज हो, आप जूस पियो, बहुत अच्छा आपको फ्रूट मिल रहा है. यू विल टेक द जूस एंड विद इन यू नो हाफ एन आवर लॉट ऑफ ग्लूकोज विल बी प्रोड्यूस इन द बॉडी और तुरंत. अब अगर मैं आपको एक फ्रूट देती हूँ जूस की जगह, तो आई टोल्ड यू उसमें फाइबर है, स्लो डाइजेशन होगा एंड वो ग्लूकोज धीरे धीरे बनेगा, तो ज्यादा नहीं होगा कभी भी और तुरंत जाके फैट नहीं बने. सो दैट्स द इम्पोर्टेंस दैट फाइबर स्लोज डाइजेशन एंड दैट्स व्हाई इट टेक्स केयर ऑफ मोस्ट ऑफ द डिजीज. आई होप दैट्स क्लियर. यस मैम. मैम एंड जैगरी का मतलब जैसे शुगर आपने बोला मोनोसैकेराइड और जैगरी, फिर मोनो में आएगा या डाई में? जैगरी इज जस्ट लाइक टेबल शुगर, इट विल बी डाइसैकेराइड. लेकिन फायदा क्या है, इट इज हैविंग मिनरल्स बिकॉज इट इज नॉट रिफाइंड. इट इज नॉट रिफाइंड, हम उसका पूरा रिफाइनिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसमें मिनरल्स है, इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि चीनी से बेटर है. बेटर नहीं है, कैलोरी सेम है, मिनरल्स ज्यादा है, इसीलिए दैट इज बेटर. जैगरी इज बेटर. हनी इज ऑल्सो बेटर बिकॉज ऑफ मिनरल्स. व्हेयरएज रिफाइंड शुगर इज टोटली रिफाइंड, इट हैज नथिंग. ओके ओके मैम, थैंक यू. सो दैट्स अबाउट फाइबर. Now, insoluble fiber, like I told you, bran, choker. कुछ vegetable आप देखेंगे, कुछ vegetable जब मूली for example, your radish, carrot, and they become old, you have seen कितना tightness आ जाता है. So it means उनका जो fiber है वो mature हो जाता है. So even when these are not mature, इनमें fiber present होते हैं, which is insoluble fiber. Whole grains में होते हैं. जो आटे का you know जो गेहूं का the upper portion of rice, the upper portion of wheat grain is having lot of insoluble fiber. That is why little bit of polishing is required. Pura pura aap nahi kha sakte aate ka, you know, dhan jo aata hai, because that has got insoluble fiber. So little bit you need polishing, otherwise it is very difficult to digest. It will not be digested and that will cause a problem. But because of this reason, it is very very helpful in constipation. Okay. सो एज आई टोल्ड यू, ये बहुत सारा पानी को बाइंड कर लेता है और स्टूल के बल्क को बढ़ाता है एंड इट कैन बी यूज एज अ मेडिसिन फॉर इंसोल्युबल फाइबर, कैन बी यूज एज अ थेरेप्यूटिक मेडिसिन फॉर कॉन्स्टिपेशन. तो जो लोग वेजिटेबल सैलड्स नहीं लेते हैं डाइट में, चाहे वो यू नो कितना ही वॉक कर ले, एक्सरसाइज कर ले, दे विल ऑलवेज हैव अ प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन. सो वॉटर एंड फाइबर बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन कॉन्स्टिपेशन. सो दिस इज जस्ट the you know classification of fiber, like cellulose aapko kahan se milega, I told you bran se, wheat se, you must know cabbage. Cabbage aapne dekha hoga bahut tightness aa jati hai cabbage, usme insoluble fiber hota hai. Okay, little bit from apple and root, jitne zameen ke niche ke root vegetables hain, carrot hai, radish hai, usme aapko insoluble fiber milta hai, but uska naam hai cellulose. Then there is hemicellulose jo aapko bran mein aur cereal mein milta hai. Gums, very very important. Gums are very important. ये आपको beans से मिलता है और oats से मिलता है. That's why you know oats is very very considered very good because it is soluble fiber. Then lignin, wheat से मिलता है, vegetable से मिलता है, and pectin, apple से, citrus fruits and strawberry से. इसलिए इन्हीं चीजों का jam बनता है. Marmalade बनता है citrus fruits का, apple का jam बनता है because of the pectin, which is known as the soluble fiber. Okay. So if I tell you how much fiber should I take every day, any idea? Maine bol diya it is not digested, still it is very important. And for you know avoiding various diseases, lifestyle diseases, it should be at least 40 gram in a 2000 kilocalorie diet. Aur ye kaise aa sakta hai, jab aap at least pure din mein ek you know do meal ya do bar salads raw khayenge, तभी आपको इतना सारा यू नो फाइबर मिल सकता है. ओके, अलोंग विद योर सब्जीज एंड व्हाटएवर, यू मस्ट हैव एट लीस्ट वन और टू रॉ मील्स और रॉ सैलड्स, सो दैट यू मीट द फाइबर रिक्वायरमेंट. द डेली फाइबर रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन अ 2000 किलो कैलोरी डाइट इज नियरली 40 ग्राम. ओके, टू अवॉइड ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड ऑल. सो ओवरऑल जस्ट यू नो फॉर अ रिविजन, most important, fiber helps in bowel movement, reducing constipation. Okay, hemorrhoids ka chance kam hoga agar aap fiber acche se lenge, colon ka cancer ka chance kam hoga agar aap fiber acche se lenge. Okay, then it helps in reducing cholesterol. How it helps, I told you, ye jab soluble hoga to
तो डाइजेशन स्लो डाउन करेगा, ज्यादा ग्लूकोज जल्दी नहीं बनेगा, और ज्यादा ग्लूकोज नहीं बनेगा तो उसका लिंक है ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स से. ओके, देन इट हेल्प्स इन ब्लड ग्लूकोज मेंटेनेंस बिकॉज ये शुगर जल्दी नहीं बढ़ने देता है अगर फूड में हो प्रेजेंट तो. एंड इट एड्स इन वेट लॉस. ओके, बिकॉज हाई फाइबर फूड नीड्स लॉट ऑफ च्यूइंग. आप कोई अभी सैलड खाओगे, कितना च्यूइंग चाहिए आपको? आप एक या दो, यू नो, एक कुकुम्बर लेने के बाद यू विल फील फुल, जबकि एक ग्लास जूस में आप कम से कम चार ऑरेंजेस ले लेते हैं. सो वेर इज द अमाउंट गेटिंग इन मोर इन द बॉडी? इट्स थ्रू द जूस. सो वेन यू टेक अ फाइबर फूड इट लीड्स लॉट ऑफ टाइम टू च्यू, सो इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग वेट. सेकेंडली यू गेट लॉट ऑफ सेटाइटी. इट मीन्स आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप फाइबर वाला फूड खाएं जल्दी. एक ग्लास जूस पीने के आधे घंटे बाद यू विल फील यू नो यू नीड समथिंग. बट अगर आप एक कुकुम्बर खा के निकले, यू कैन योर सेल्फ सी एटलीस्ट फॉर वन आवर यू फील लॉट ऑफ फुलनेस इन द यू नो स्टमक एंड यू डोंट टेक एनीथिंग एल्स. सो दैट इज ऑल द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइबर. एंड सिंस इट इज पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, I took it in carbohydrates. So you can just see the overall benefits of fiber. Why I'm telling you? Because अब आप जब plan करेंगे आपको you know fiber rich diet plan करना है. So varicose veins किसको आ रहा है योगा करने के लिए, उसको problem है तो आप उसको fiber rich diet दोगे, diabetes वाले को दोगे. All right? You will give somebody who's at risk of hemorrhoids and is having constipation, people with hormonal imbalance and for a stronger immune system also. Okay, so that's about fiber. So till now, carbohydrates and fibers. If anybody having any you know doubts can clear, then I'll proceed with protein. Or at the last, I will take the doubts. Just starting 10 minutes. You carbohydrates. Okay, so I just missed that. My connection was not going through. Okay, so maybe at the last chapter proteins, I can take it up again. Yes, ma'am, no problem. Okay, so now I will just proceed to proteins. Okay, so what does, you know, from where does the protein word derive? It is basically means pro. Pros means first. So it is very, very important. It is derived from the Greek word pros, okay. Means it's very very important in the diet. So basically what is protein? Agar hum body mein protein dekhe kis form mein utilize hota hai, toh you will check nitrogen. So it is basically complex organic nitrogen compound which is again like carbohydrate having carbon, hydrogen, oxygen along with nitrogen and sulfur. So basically 20% of a human you know body weight consists of protein. ओके, एंड देयर आर जनरली 20 अमीनो एसिड. आई थिंक ये आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा. नाउ व्हाई आर वी स्टडिंग यू नो प्रोटीन? हमारा क्या इंपॉर्टेंस है, व्हाई आर वी स्टडिंग प्रोटीन? सो द थिंग इज दैट इट हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द बॉडी. और जब जब ये फंक्शन गड़बड़ होंगे तब आपको डाइट में प्रोटीन को चेंज करना होगा. सो कैटालिटिक मीन्स एंजाइम्स. ऑल द एंजाइम्स इन द बॉडी जिसपे रिएक्शन चलता है, जो रिएक्शन में हेल्प करते हैं बॉडी में, दोज आर प्रोटीन्स. ओवरवेलमिंग लाइक एग में, केसीन इन मिल्क, दीज आर ऑल प्रोटीन. ओके, सो आप जो पनीर लेते हैं उसमें केसीन होता है विच इज अ स्टोरेज प्रोटीन. मिल्क अपने प्रोटीन को केसीन में स्टोर करता है. ओके, सो बेसिकली फॉर स्टोरेज इट इज इम्पॉर्टेंट. ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन मीन्स हीम मीन्स आयरन, ग्लोबिन मीन्स अगर प्रोटीन नहीं होगा तो आयरन की हमेशा कमी रहेगी. तो जो लोग सिर्फ आयरन का टैबलेट खा रहे हैं और वेजिटेरियन हैं और खाने में प्रोटीन नहीं है, उनका कभी आयरन ठीक नहीं होगा. वो कितना भी टैबलेट खा रहे हैं, डजंट मैटर. ओके, बिकॉज इट इज नॉट एडिक्वेट प्रोटीन इन द डाइट एंड इट इज अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन विच नीड्स ग्लोबिन. ग्लोबिन इज अ प्रोटीन. देन हॉर्मोन्स, ऑल हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, ऑल न्यूरो ट्रांसमीटर जो ब्रेन में हमारे सिग्नल देते हैं, दोज आर ऑल प्रोटीन. ओके, सो जब एक डायबिटिक आपके पास आता है आपका, उसका प्रोटीन भी चेक करना है डाइट. इट इज यू नो द पर्सन इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट प्रोटीन, द प्रॉब्लम ऑफ डायबिटीज विल इवन इंक्रीज, बिकम वर्स्ट. एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑल पीपल हु वांट टू बिल्ड मसल्स,
all people who want to have stamina, all people who want to strengthen through yoga or exercise, they also need a lot of protein in the body. Because actin, myosin, ye sare contractile protein nahi honge, diet mein protein nahi hoga, to ye bhi nahi. Immunity, proteins become very important. No protein diet, very less immunity. Because all immunoglobulins, fibrinogen, blood clotting, ye sare factor protein ke bane hote. तो आपका ब्लड ठीक से क्लॉट नहीं होगा, आपका इम्यूनिटी वीक होगा इफ यू आर नॉट हैविंग इनफ प्रोटीन इन द डाइट. एंड देन केराटिन, ओके, योर हेयर, पीपल विद हेयर फॉल, दे शुड चेक प्रोटीन. पीपल विद लूज स्किन, पीपल हु हैव सैगिंग, यू नो, जिनका एजिंग ज्यादा हो रहा है या टाइटनेस नहीं है, जो एक्सरसाइज करते हैं, दे वॉन्ट, यू नो, सर्टन सॉर्ट ऑफ टाइटनेस एंड स्ट्रेंथ इन देयर मसल्स, दे ऑल नीड proteins in the diet. Now coming to protein, I wanted to discuss two most important things. Kyunki hum biochemistry nahi padhe hain, nutrition point of view se there are complete and incomplete protein, because ispe bahut abhi, you know, you will get confused if you study, read, go through Google or books and anything, because you know everybody is telling turning vegan is very good. Matlab aap animal products ko chhod do और आप वेजिटेरियन हो जाओ तो इट इज वेरी गुड. सी, वन वे इट इज गुड, क्योंकि एनिमल प्रोटीन फैट का भी बहुत अच्छा सोर्स है, तो फैट बॉडी में कम हो जाएगा अगर आप इनको छोड़ देते हैं. ओके, हॉर्मोन्स जो एक ज्यादा दिए जा रहे हैं, लाइक चिकन में हॉर्मोन्स इज बिग गिवन, वो भी कम हो जाएगा. बट अगर आपका डाइट बैलेंस नहीं है तो यू विल हैव लॉट ऑफ विटामिन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन. व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट आई वॉन्ट टू टेल यू, that complete proteins, what the complete proteins, these contain adequate amount of all essential amino acid. Okay, body ko jo bhi amino acid jo bhi chahiye wo sare in proteins mein hota hai. Aur ye kaun se source se milta hai? Basically non vegetarian followed by milk and cheese and milk products. So what is a complete protein? It has all the essential amino acid needed for the body's growth and maintenance. और ये ज्यादातर ऑलवेज रिमेम्बर यू गेट फ्रॉम नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स एंड मिल्क, व्हिच इज आल्सो पीपल आर यू नो नॉन वेज फूड सोर्स, ये एनिमल से ले रहे हैं. सो दीज आर नोन एज कंप्लीट प्रोटीन. सो अब कई डिजीज में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, यू नो, बिकॉज किडनी डिजीज में आप इसको देते हैं, यू गिव कंप्लीट प्रोटीन, बिकॉज इनका प्रोटीन से प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है, किडनी पे लोड बढ़ सकता है. So it's not food is you know that is totally chemically better composition as compared to other proteins which are vegetable. And you can see down rajma, beans and nuts and all, these are incomplete proteins because isme ek ya do essential amino acid मिसिंग रहते हैं. दे डोंट हैव ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड जो बॉडी को ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए चाहिए, सो दे आर नॉट कंप्लीट. ओके, सो दीस कैन बी रेफर्ड एज पार्शियल प्रोटीन, मतलब इसमें आपको पार्शियली कुछ अमाइनो एसिड मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे. एंड दीज आर बेसिकली ग्रेन्स, नट्स, पीस एंड कॉर्न्स. सो इसमें आपको कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत इनकम्प्लीट होता है. ओके, सो दैट्स protein. Animal protein are known as the first class protein. These are also known as high biological value. जो होते हैं morning में, you know, 10 to 12 egg white omelette खा लेते हैं, because the egg they get is totally first. Next comes the vegetable protein, which is the second class protein. इसका biological value एनिमल प्रोटीन से कम होता है. नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट वेजिटेरियन प्रोटीन इज लैकिंग इन एसेंशियल अमाइनो एसिड, देन व्हाई डोंट एवरी वेजिटेरियन यू नो पीपल दे हैव प्रॉब्लम्स? सारे वेजिटेरियन लोगों को तो नहीं होता है प्रॉब्लम, सब लोगों में विटामिन की कमी भी नहीं होती है. वेजिटेरियंस बहुत अच्छे एथलीट्स भी होते हैं, तो कैन एनीवन टेल मी हाउ डू दे मैनेज? Maybe by taking supplements.
can be, but you know how leave behind athletes. Athletes, okay, they can take supplements, but what about the normal human population? You know how they manage? Because our Indian is very, very balanced and, you know, well planned diet. हम इसमें भी सिर्फ यू नो एक चीज नहीं लेते, वी टेक दाल एंड चावल, सो वी आर यू नो एडिंग टू सोर्सेस ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन. एक में मिथियोनिन नहीं होता है और एक में यू नो लाइसिन नहीं होता है, तो जब हम दोनों को यू नो मिक्स करते हैं तो वी गेट अ कंप्लीट प्रोटीन. सो अगर आपको खाने में प्रोटीन की क्वालिटी को बढ़ाना है, आप दाल चावल, रोटी दाल, ओके खिचड़ी, ये अगर मिक्स करते हैं तो यू गेट अ प्रोटीन विच इज कंपेरेबल टू एनिमल प्रोटीन. ओके, दैट्स व्हाई ऑलवेज, दैट्स व्हाई आई वाज टेलिंग दैट टेक प्रोटीन एडिक्वेटली अगर कोई वेजिटेरियन है. तो जब हम दाल चावल मिक्स करते हैं, हम जो दाल में अमाइनो एसिड नहीं होते वो हमें चावल से मिलते हैं, और चावल में नहीं होता वो हमें दाल से मिल जाता. सो दिस इज कॉल्ड इम्पोर्टेंस ऑफ मिक्स डाइट. खिचड़ी इज, दैट्स व्हाई हम बीमार को खिचड़ी देते हैं. अगर कोई वेजिटेरियन हो आईसीयू में भी, हम खिचड़ी को ट्यूब से देते हैं. क्यों देते हैं? बिकॉज वी आर गिविंग समवेयर अ गुड क्वालिटी प्रोटीन. वी आर मिक्सिंग सीरियल एंड पल्स एंड द प्रोटीन क्वालिटी बिकम्स वेरी गुड. सो दैट इज हाउ यू नो वेजिटेरियन, इफ दे मिक्स दीज सीरियल्स एंड प्रोटीन सोर्सेज, दे गेट वेरी गुड क्वालिटी प्रोटीन. So, how much protein one should take? Generally, it is 1 gram per kg body weight. So, agar aapka ideal body weight jaise 50 kg hai, to you must get, at least take 50 gram. Okay, this can be modified agar kidney ki problem ho, uric acid ho, to ye kam ho jata hai. But otherwise, 1 gram, always remember, 1 gram per kg body weight should be the ideal, protein. हाँ, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, एक्सेस में है, तो वैसे कैलकुलेट नहीं करना. इट मींस द आइडियल बॉडी जितना होना चाहिए. सो दैट इज 1 gram पर केजी. अगर कोई आपसे पूछता है मुझे कितना प्रोटीन लेना है, सो यू मस्ट बी एबल टू टेल देम. ओके, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो यू कैन गो टिल 1 gram पर केजी. एथलीट्स गो टिल 2 gram ऑल्सो. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स? वेजिटेबल सोर्सेस में अगर कोई बोले कि मैं दूध नहीं लेता, अब मुझे आप प्रोटीन दे दीजिए, मैं फिश भी नहीं लेता, एग भी नहीं लेता. बहुत लोग हैं आजकल, दे आर नोन एज वीगन्स. वो दूध भी नहीं लेते, फिश भी नहीं लेते, दे डोंट इवन टेक एग एंड मीट. सो द वेजिटेबल सोर्सेज आर पल्सेस, यानी दाल, सीरियल से भी आपको प्रोटीन मिलता है थोड़ा बहुत, बीन्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, सोयाबीन से, आलमंड से, नट से, हेजल नट से, इन सब चीजों से, पंपकिन सीड, सनफ्लावर सीड से आपको प्रोटीन मिल जाएगा. चिया सीड्स, देयर आर मेनी सीड्स व्हिच हैव बिकम वेरी फैशनेबल एंड इन थिंग नाउडेज. दैट्स बिकॉज़ ऑफ दिस रीजन पीपल आर गेटिंग टर्निंग वेजिटेरियन. सो दे टेक प्रोटीन फ्रॉम दीज सोर्सेस. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, इन इंडिया सीरियल एंड पल्सेस कॉम्बिनेशन इज द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन, विच इज चीप, इजिली अवेलेबल एंड वेरी गुड एंड कंज्यूम्ड इन बल्क. तो जनरली इंडियन पॉपुलेशन में इसीलिए हमेशा नहीं देखा गया कि बहुत ज्यादा है. नाउ दिस इज द एवरेज. समबडी वाज आस्किंग मी दैट डे कि हमें कैसे पता चलेगा कौन से खाने से कितना मिलेगा. तो दिस इज यू नो द टेबल इन विच यू कैन सी कि मिल्क से नियरली 3.2 to 4.3 gram, 100 gram मिल्क से, 100 ml से यू विल गेट दिस मच ऑफ प्रोटीन. एग से यू विल गेट 13 gram ऑफ प्रोटीन. Okay, pulse you get 28 gram of protein. So this is the soybean. You can see so good protein it is. So, jo log doodh nahi pee rahe, they've started having soya milk, soya paneer, because it is a very good source of protein. It has got 43.2 gram in 100 gram of soybean. So very good source of protein it is. Okay. Now that day I had already revised the you know deficiency. We had already discussed. प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. कैन एनी बडी टेल मी अगर प्रोटीन कम हो तो क्या होता है? विच वट काइंड ऑफ मेल न्यूट्रिशन इज देयर? कैन एनी बडी टेल? ब्लोटेड बेली, स्वेलिंग बेली,
weak muscles. Yes, it is the one who's don't know who's telling this. It's known that the you know the belly is protruded out, and that's known as kwashiorkor. Okay, so that is known as kwashiorkor, in which there is a deficiency of basically protein in the diet. So it is the child is pot bellied. Why? Because the mother gives lot of you know not only bachcho mein, even adults mein, you know. You will see these building workers and all. शाम को जब बैठेंगे तो they will have lot of you know चावल with काढ़े से चावल को बनाया गया वो जो पानी that is very very high on carbs, but there is no protein. दाल और सब्जियां बहुत कम होती है diet. So that leads to kwashiorkor. Marasmus is complete energy deficiency. Energy भी नहीं है और protein भी नहीं. मतलब जितना खाना चाहिए उतना खाना भी नहीं मिल रहा है. Calorie भी नहीं मिल. That is known as marasmus. But these are two types of you know protein calorie or protein energy malnutrition. Okay, so someone wanted to you know just revise this sugar thing, carbohydrates. Can you just tell me from where you want me to just give you a brief? Ma'am, I didn't attend. I joined after around 15-20 minutes, so I missed everything. Okay, okay. So, just wanted to take a brief of carbohydrates. See, carbohydrates are basically composed of carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, these are basically known as saccharides or sugar. Sugar because they give us energy. Okay. Okay. So, basic cheap sources is I told you nearly you know 50 to 60% in a normal diet, 60 to 70% of total calorie requirement is met by carbohydrate. Okay, and basically these are under two groups. One kind of carbohydrate which can be utilized by the body. So what you get from rice, what you get from chapati, what you get from vegetables, that is starch. Say you get from rice, glycogen you get from muscles of animal. If you take liver, okay, sucrose you get from table sugar. Then lactose you get from you know. Milk, glucose you get from you know anything like if you take a glass of fruit juice also you are going to get fructose and glucose both. So these are all utilized by the body. Okay, but there are carbohydrates which cannot be utilized by the body but still are very important. It means these are not digested and those are fiber. Okay, pectin, gum, cellulose, these are all fiber which cannot be digested by the body. And just coming to the you know basic functions of carbohydrate, very very important for brain because brain only utilizes glucose for energy. Brain ko glucose chahiye energy ke liye. It doesn't understand anything else. Okay. Important for oxidation of fat. If carbohydrate is not there in the diet, fat will not be utilized. Fat ka use hi nahi ho payega. Then synthesis of pentose. You all must be knowing about DNA, RNA, jo hamari body ka genetic material hai, jiska hamara genes bana hua. So those DNA, RNA, NAD, these all need you know ribose as a backbone, which is a sugar again made up of carbohydrate. Okay, so that's why carbohydrate is very very important for synthesis of the genetic material along with protein. Then protein sparing function. If you're taking, you know, this is very very important point. कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा muscle weak हो रहा है diet करने के बाद. So what happens is that if you take carbohydrate adequately, protein bach jata hai muscle ke liye. Okay, but if your diet is even deficient in carbohydrate, yani aap roti bhi sara din mein gin ke do ya teen le rahe ho, to aapka protein tootega to give you energy and then you lose all your muscle. So basically carbohydrate is a protein sparing effect. It saves the protein. Okay, then it is also important for the formation of glycoprotein and lipoprotein, jo aage aap jaake padhenge. बेसिकली लिपिड्स जो बॉडी में होते हैं वो दैट ऑल्सो नीड्स कार्बोहाइड्रेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप ऑफ द बॉडी सो व्हाई डू वी हैव कार्बोहाइड्रेट बेसिकली बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड एनर्जी एंड द एंड पोर्शन ऑफ यूटिलाइजेशन इज ग्लूकोज प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट जो होता है जो उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है दैट इज ग्लूकोज एंड
लास्ट में डाइजेशन के बाद जो रिलीज होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सो दैट्स अबाउट द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन. मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स. मोनो मीन्स सिंगल यूनिट, द मोस्ट इजिली एब्जॉर्बेबल कार्बोहाइड्रेट. Oligosaccharide means 2, 3 or 4. They have 2 to 4 units. And polysaccharide means 3 and till 9. Okay. So these are the different classification of. Why I am teaching you all this? Because aapko, you know, diabetes mein, you will see doctor telling avoid monosaccharide and disaccharide. Now you will be thinking carbohydrate to avoid karne ko pura bolna tha kya. So depends kya carbohydrate aap de rahe ho. So anybody who's obese, anybody who's diabetic, you avoid monosaccharide and disaccharide. Why? Because it's very, is the smallest unit to aram se absorb ho jayega body mein. So what you can give to, diabetics, you can give polysaccharides to them. Because monosaccharides can be broken down to smaller, they cannot be broken down to smaller unit. So aap kise ko glucose doge, diabetic ko to kya hoga? It will raise the blood sugar level. But chapati doge to time lage. Because glucose is again, you know, basically a monosaccharide. So you will give monosaccharide, you will not give monosaccharide and disaccharides to obese, to diabetic, okay? Disaccharide is sucrose. Table sugar jo hai, wo sucrose, glucose or fructose ka banao. So simplest unit is glucose. Uske baad disaccharide aata hai like sucrose. Sucrose matlab aapka chini. और वो किस चीज का बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का. अगेन जो मोनोसैकेराइड बहुत जल्दी बन जाते हैं पानी में घुल के. देन कम्स द ऑलिगोसैकेराइड, उसका यूनिट ज्यादा होता है. ओके, तो उसको भी घुलने में या डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है. एंड पॉलीसैकेराइड्स आर द बेस्ट. ओके, बिकॉज यू कैन सी हियर डाउन, आई जस्ट शो यू. सो यू कैन सी हियर पॉलीसैकेराइड्स, हाउ मेनी यूनिट्स आर दीज हैविंग. So these can be easily taken up by diabetics because it will take lot of time to digest and release glucose. So unka blood glucose kabhi bhi raise nahi karega. All right. Whereas if you give monosaccharide to a diabetic, then it will suddenly get absorbed and raise the blood sugar level. Similarly, is for obese. You will not give monosaccharide to obese. You will not give disaccharide to obese. Aap ek obese ko chini wali chai mana karo. लेकिन रोटी नहीं मना करो, बिकॉज दैट्स अ पॉलीसैकेराइड. ओके, सो दैट्स द डिफरेंस. सो दैट्स अबाउट द क्लासिफिकेशन. एंड दिस आई वांटेड यू टू नो माल्टोज. अब आप देखते हो कि यू नो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा का एड देखते हैं. So what are these basically? Malt sugar ka bana hota hai. And these are maltose, which is basically glucose and glucose. So aapke bache ko, agar aap Bornvita de rahe ho, Horlicks de rahe ho, to basically you are getting, along with protein, you are getting glucose in malt form. Okay? Malting karke us. Sucrose is table sugar, which is, I told you, made up of fructose and glucose. Lactose, jo milk sugar hai, that is made up of galactose and glucose. Okay? So these are the types. And simple carbohydrate, अगर आपसे पूछे, very very commonly used, simple and complex carbohydrate words. So what is simple carbohydrate? These are refined sugar, यानी आपकी जो white चीनी होती है, fruit juice और दूध. ये बहुत जल्दी, simple means बहुत easily absorb हो जाएंगे. और ये सब एक मोटे इंसान को या एक diabetic को या एक heart patient को सोच समझ के लेना है. Whereas complex carbohydrates are what you get from grains. So what you get from, you know, brown rice, what you get from wheat is complex carbohydrate, which can be easily given to people with all diseases. Okay. So that was about, the classification. And just wanted you to know that fructose is a, you know, a monosaccharide, which you can get from fruits. And some people are using this also as a sweetener instead of sugar. Okay, because ye fruit se hai, aur they say that isme bahut vitamins hota hai. So this can be used as a sweetener. And then the polysaccharide, starch, digestible, glycogen is digestible.
Now again the difference is starch आपको vegetarian source से मिलता है, glycogen you get from non-veg source. These both are digestible. And fiber is indigestible. Okay? But still fiber is very very important. Why? Because it maintains the blood glucose level. So like I was giving you an example that if I give you a glass of juice, it has no fiber. You will just have it and you know it will increase your glucose level and that glucose will become fat and you will gain weight slowly. But if you take a fruit, it is having what? It is having starch. At the same time, it is having fiber. So there would be slow glucose, you know, release in the blood. And because of fiber, uska digestion slow ho jayega aur uska glucose dheere release hoga and you will not gain weight. So it's always better to have salads and fruits in their natural form. Uska processing nahi karna. Don't make it into juices and all those things. And these are the sources. Now if I want you to know, aapko pata hona chahiye, koi bol raha hai main fructose leta hun. Now you will be wondering fructose kya. You must know that fructose is something which the person might be getting from fruit juice or honey or any fructose supplement. So what is lactose? You get it from milk because people have lactose intolerance, very common. Okay. So these are the sources of, you know, carbohydrates, which you must know. So this was about carbohydrate, fiber. I think all of you were there in the class when I took fiber. Yes, ma'am. Okay. Very less is you know left now, that is fats and oil. I see very less students in the class today. So basically maybe I will just take a quick class for them in the next one. You have completed all carbohydrates and you know basically fibers and fats. I just want you to know that basically there are two types of fats. One is saturated, one other one is unsaturated. Okay, anybody can tell me the difference? Any of you know the difference between saturated or unsaturated? Saturated is easier to digest. No, it's not easy to digest. The difference is that saturated means solid at room temperature. ओके आपका घी हो गया दैट इज अ सैचुरेटेड वन वनस्पति इज हाइड्रोजनेटेड सैचुरेटेड ओके सो दीज आर ऑल सैचुरेटेड विच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर वेर इज अनसैचुरेटेड दे आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर आई एम टॉकिंग इन न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके सो अनसैचुरेशन मीन्स अनसैचुरेशन मीन्स दैट यू नो दे आर डबल बॉन्ड दे हैव हाइड्रोजन इज सैचुरेटेड दैट इज केमिस्ट्री बट अगर आप एक न्यूट्रिशनिस्ट से पूछो तो वो बोलेंगे सैचुरेटेड जो सॉलिड है रूम टेम्परेचर में एंड अनसैचुरेटेड जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर आपका ऑलिव ऑयल मस्टर्ड ऑयल ये कभी जमता है नहीं ना रिफाइंड ऑयल यू कीप इट इन एनी वेदर इवन इफ यू टेक इन कोल्ड वेदर इट माइट बिकम थिक बट इट विल नॉट बिकम लाइक घी सो दैट्स द डिफरेंस बिकॉज इट इज अनसैचुरेटेड एंड न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से सैचुरेटेड हैज यू नो रिस्क इट इज रिस्की इट डजेंट मीन कि आप नहीं लोगे उसको डाइट में पर बहुत लिमिट में लेना बिकॉज इफ यू टेक मोर सैचुरेटेड वो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड वो रूम टेम्परेचर में जमा हुआ है इट इज सॉलिड तो जब आप उसको खाओगे वो आपके आर्टरीज में जाके क्या करेगा जम जाएगा ओके दैट्स व्हाई वी शुड अवॉइड सैचुरेटेड यू नो फूड्स Okay, whereas unsaturated oils are still okay. This can be taken up to 20 gram along with little bit of saturated. Why? Because ye liquid hai room temperature mein aur body mein bhi easily metabolize honge and this cannot lead to any heart disease or any other problem unless and until you are taking it in large quantity. So that's the difference between saturated and unsaturated. Unsaturated is ghee. Ab aap bolenge ki you know People are saying shuddh desi ghee is very good. Yes, you can take it, but always it has to be in a ratio. आप पूरा खाना देसी घी का नहीं बना सकते. अगर आप कहीं भी पढ़े हो कि पूरा देसी घी का खाना खाओ और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी,
इट इज नॉट लाइक दैट. आप कुछ सरसों का तेल का या यू नो आपके यहाँ का जो ऑयल है ऑलिव ऑयल का या कुछ यू नो कोकोनट ऑयल का बनाइए और कुछ फिर आप घी का बनाइए. So that's why the you know the importance of saturated and unsaturated comes into you know comes into action when nutrition is considered. Okay. So I think if I go and start with vitamins, other students will be missing the class. Sir, you are there, Sadanand sir. मैम आई हैव डाउट अबाउट प्रोटीन. यस मैम, जैसे आपने बोला कि 1 ग्राम पर केजी चाहिए, तो मतलब मेरे वेट के हिसाब से मुझे 6 ग्राम प्रोटीन चाहिए. तो अगर मैम मैं समझो सुबह दाल के डोसे लेती हूँ बनाती हूँ और रात को दाल चावल खाती हूँ, तो वो ओवर प्रोटीन हो जाएगा क्या फिर? नहीं नहीं नहीं, आपका वेट कितना है? 60 kg. हाँ तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट ना. हाँ 6 ग्राम नहीं चाहिए आपको, 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए. ओके हाँ 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 राइट. तो फिर मतलब न्यूट्रिशन वैल्यू के हिसाब से ग्राम्स में रहेगा वो, मतलब एज अ दाल 60 ग्राम नहीं रहेगा, उसका अंदर का मतलब न्यूट्रिएंट वैल्यू. ओके वो जो मैंने आपको ये एक मिनट ये मैंने आपको दिया ये देखो आप पल्सेस में आपको 100 ग्राम में 28 ग्राम मिल रहा है. तो आप देख लो अगर सारा दिन में आप 100 ग्राम ही लेते होगे, उससे ज्यादा तो दाल नहीं लोगे अकेले, तो आपको पल्सेस से नियरली 25 ग्राम आपको या 28 ग्राम आपको प्रोटीन मिल गया, बाकी 40 ग्राम आपको मेंटेन करना है कहीं और से. ओके एंड मैम से ले लीजिए, से ले लीजिए. हाँ वेट लॉस के लिए फिर प्रोटीन क्यों बोलते हैं? प्रोटीन तो वैसे मतलब बिल्डिंग के लिए बोल रहे हैं ना, बॉडी बिल्डिंग. तो आजकल ऐसे बोलते हैं कि प्रोटीन ज्यादा लो कार्बोहाइड्रेट कम करो तो वेट कम होगा. नहीं नहीं वो इसीलिए बोलते हैं, उस दिन में मैंने आपको बोला कि लोग खाते ही नहीं है प्रोटीन जितना चाहिए. आप उनका सुबह से शाम जैसे मैं पूछती हूँ तो उनके दाल होता ही नहीं है, एक ही टाइम होगा या हफ्ते में 3 बार होगा. सुबह रोटी सब्जी खा के आएंगे, अभी सोचो मैं आपको बोल रही हूँ, सुबह वो रोटी खा के आते हैं, कोई लोग ब्रेड जैम खा के चले आते हैं, कोई लोग ब्रेड ऑमलेट खाते हैं, ठीक है. और कोई लोग ज्यादातर वेजिटेरियन क्या खाएगा, वो ब्रेड टोस्ट खा के दूध के साथ या चाय के साथ चले आते हैं. आप बताओ इसमें प्रोटीन का है? Okay. नहीं अगर मतलब कोई बोलता है प्रोटीन रिच डाइट, तो फिर तीनों टाइम प्रोटीन लेना वो गलत होगा ना वेट लॉस के लिए फिर? नहीं वो डिपेंड करता है, वो तो देखो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है. आप किसी को तीनों टाइम भी दे सकते हो, किसी के पास टाइम नहीं है तो 2 टाइम में उतना एडजस्ट करो तो गलत नहीं होगा, वो आप कितने बार भी दे सकते हो उसपे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इतना ग्राम देना है पूरे दिन. ओके मैम थैंक यू. तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में तीनों बार प्रोटीन आना चाहिए मैम? हाँ सी ये हम नहीं बोल सकते हैं, बेसिक तो आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, पर यू नो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जिनके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, तब आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हो मे बी 2 मील्स में या 1 मील में. 1 मील में तो हो ही नहीं पाएगा, उसको 2 मील में फिर सप्लीमेंट देते हैं. तो ये तो जब आप इतने क्लाइंट्स देखना स्टार्ट करोगे उसके एक्सपीरियंस पे आप पे होगा, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए है ना. पर अगर क्लाइंट बोले नहीं हो पाएगा मुझसे तो आप क्या करोगे? तो आइडियली तो हाँ ऐसा ही होना चाहिए कि आपको हर मील को बैलेंस करना, पर अगर वो नहीं हो सकता है तो आपको 2 मील में या 8 मील में भी विद सप्लीमेंट के साथ बैलेंस करना आना चाहिए, फिर आप सप्लीमेंट देते अगर नहीं वो कर पा रहे. ज्यादातर नहीं कर पाते वेजिटेरियंस अपने मील में नहीं मैनेज कर पाते, देन यू हैव टू, दैट्स व्हाई सप्लीमेंट कम्स इनटू प्ले ना. हम लोग बहुत बुरा बोलते हैं सप्लीमेंट को, पर एथलीट्स एथलीट्स का तो बहुत मुश्किल है ऐसे प्रोटीन गेन करना, देन वी गिव सप्लीमेंट बिकॉज वो बैलेंस नहीं कर पाते. एनीबडी हु इज वर्किंग, जो सुबह 8 बजे घर छोड़ के लेटी जाती है और रात को 8 बजे आती है, हम उसको इतना बैलेंसिंग नहीं समझा सकते. तो इन दोज केस वी नीड टू मॉडिफाई, बट आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या होना चाहिए. हाँ आइडियली ऐसा ही होना चाहिए कि आप हर मील को बैलेंस करें मैम. और वीट या ज्वार क्यों ग्रेट बोलते हैं? मतलब बोलते हैं कि वीट अवॉइड करो, ज्वारी और बाजरी ज्यादा खाओ, ऐसे वो फाइबर के लिए, फाइबर जो मैंने बोला ना आपको. ओके
दैट्स बिकॉज फाइबर विल बेनिफिट एंड वीट में फाइबर कम है इनसे, तो वो वेट लॉस में हेल्प नहीं करेगा. और ये मैंने बोला आपको डाइजेस्ट नहीं होता है लेकिन पेट भर जाएगा, इसीलिए बोलते. ओके थैंक यू मैम. इट विल नॉट गिव यू एनी कैलोरीज, सो यू आर हैविंग इट, यू आर हैप्पी दैट यू आर हैविंग समथिंग, दबा भी रहे हो, पेट भी भर रहे हो, पर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो वेट कैसे बढ़ेगा, इसीलिए बोलते. ओके सो एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चंस? नो. मैम वेट लॉस के लिए अगर डाइट बनाना हो, इफ यू आर लुकिंग, इफ आई एम लुकिंग फॉर अ वेट लॉस ऑफ अराउंड 10 केजीज, तो उसमें फिर यू हैव टू प्रोटीन ज्यादा और कार्बोहाइड्रेट्स कम करके और दूसरे विटामिन मिनरल्स करके वैसे डाइट बनाना होता है. और एक्सरसाइज उसी यू नो उसी इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी बढ़ाना. ओके वो आइडियल होता है. हाँ पर देखिए अभी इस इंडस्ट्री में बहुत कुछ आ गया. मतलब अभी मैं परसों एक क्लाइंट ले रही थी तो शी वाज टेलिंग मी जस्ट एज डिस्कशन आई एम टेलिंग यू कि वो कोई किसी से डाइट लेती थी, उसका एक दिन में एक एक केजी कम हुआ है. वो एक दिन सिर्फ मैंगो डाइट ले रही है, एक दिन सिर्फ पनीर डाइट ले रही है. तो ऐसी भी चीजें हो रही इंडस्ट्री में. तो यू नो देर आर वेरियस वेज, आइडियल वे यही है जो मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है. बट लोग जब आपके पास आते हैं तो दे बिकम वेरी डिमांडिंग कि मुझे 10 केजी 3 महीने में कम कर दो, देन पीपल स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स. बट आइडियली ऐसा ही होना चाहिए. अगर कोई क्लाइंट अच्छे तरीके से वेट लूज करना चाहता है तो ऐसे ही करना. So for in 1 month, how much weight is normal to lose? Around 4 kgs or? No. See, ideally through nutritional practice, maximum 1 kg per. In how many months you are asking or weeks? Month. Per month. Okay, so it can be 0.5 to 1 kg per week. Per week. So in a month it means 4 kg. 4 kgs. So somewhere between 3 to 4 kg. And if they're going more than that, it is totally unsafe. It can lead to various deficiencies later. So I think that's all for today's class. The next class, I will finish off with vitamins and minerals. Ma'am, last question. Carbohydrate ki kami se kya problem ho sakti hai? Jaise protein se kwashiorkors and wo problem hoti hai. To carbohydrate ki kami se kya problem ho sakti hai? प्रोटीन ब्रेकडाउन हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की कमी से. यू नो बॉडी में मसल्स लूज हो जाएंगे क्योंकि आप प्रोटीन को यूज करना स्टार्ट कर दोगे. और फिर यू नो दैट्स द मैक्सिमम थिंग व्हाट हैपेंस कि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाने में ना ले, यू कंप्लीटली फील ड्रेन्ड, आपको कोई भी चीज करने का एनर्जी नहीं रहेगा. सो दैट इज व्हाट हैपेंस. ओके बेसिकली वेस्टिंग हो जाती है, जिसको मैंने आपको उस दिन पढ़ाया था. Wasting, I told you, ना मसल्स बिल्कुल बॉडी में खत्म होने लगते हैं. तो आप अपने आइडियल वेट से नीचे गिर जाते हो अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हो. तो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रहा है और फैट भी ब्रेक डाउन हो रहा है. तो योर बॉडी विल स्टार्ट वेस्टिंग, मसल वेस्टिंग स्टार्ट. ओके मैम. सो जब कोई आपके पास मसल के लिए आए, स्टेमिना के लिए, तो ऐसे भी देख लेना कि वो खा कितना रहे. सिर्फ प्रोटीन नहीं होना चाहिए दिमाग, ये भी होना चाहिए कि क्या जितना कार्बोहाइड्रेट है उतना जा रहा है कि नहीं जा. ऑलराइट, सो मे बी इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट टेकिंग विटामिन्स मिनरल्स. टुडे वी फिनिश ऑफ विद प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फाइबर्स. ओके एंड आई विल सेंड इट अक्रॉस. यू हैव गॉट द पीपीटी नो? यस मैम. हाँ सो जस्ट रिवाइज द पीपीटीज. And please do, mail me your assignment of the first class I told you, so that I know how to calculate waist to hip ratio and BMI. Okay. So that's all for the class. So we are going to meet on Tuesday again, right? Yes, ma'am. Okay. So till that time, take care. And if you have any problems, just note it down so that we can take it up in the next class. Okay, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.